कार्यरत ग्रामीण बैंक पाली द्वारा बकायेदारों पर जोर शोर से कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में आज रिकवरी एजेंट लखनऊ से पाली पहुंचे। उन्होंने पाली क्षेत्र के बकायेदारों से मुलाकात की तथा 10 फरवरी तक पैसा जमा करने की हिदायत दी। पैसा जमा न करने पर कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही। पिछले सप्ताह भी किसानों की जमीन कुर्क की गई थी तथा उनसे पैसे की वसूली की गई थी। आर्यावत बैंक पाली के शाखा प्रबंधक ने बताया कि 11 फरवरी तक लोक अदालत का आयोजन किया गया है। जिस किसी का भी पैसा बाकी है वह बैंक से संपर्क कर छूट के साथ अपना पैसा जमा करे, अन्यथा बकायेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे बैंक आर्यावत बैंक शाखा पाली के लगभग 1100 बकायेदार हैं, जिनका लगभग 23 करोड़ बैंक का धन फंसा हुआ है और जिसके कारण नोटिस जो है सारे बकायेदार को इशू हुआ है और 1 महीने का उनको समय दिया गया है। और जो डिमांड है, अगर पैसे नहीं आता है तो उसमें जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जल्द ही RC वगैरह कर दी जाएगी और कुर्की के लिए वो आगे कार्रवाई होगी। धन्यवाद सर।